वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे केनिया में अदानी ग्रुप को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर। केनिया के एयरपोर्ट के जो एविएशन वर्कर्स के यूनियन है वो लोग अपने तरफ से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गया है। इसमें उन लोगों का कहना है कि भाई अदानी ग्रुप को केनिया से बाहर निकालो। तो एग्जैक्टली क्या रीज़न है इसके पीछे, पूरा वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। उससे पहले केनिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केनिया इंडिया के वेस्ट में है और अफ्रीका में ये ईस्ट कोस्ट में एक कंट्री है। अगर देखा जाए इंडिपेंडेंस के बाद से केनिया जो है वो अपना जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था अनटिल चाइना को केनिया में इंटरेस्ट मिला। उसके पहले अगर देखा जाए केनिया का इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, मगर जब से चाइना केनिया में इंटरेस्ट शो किया है तो चाइना का तो कुछ कॉमन फैक्टर है, उनमें एक है डेट ट्रैप और केनिया उसी के जाल में फंस गया है। केनिया का टोटल पॉपुलेशन है 5.4 करोड़, जिनमें 85.5% जो है वो क्रिश्चियन है, 10% के आसपास मुस्लिम्स है और 1.5% जो है वो कोई रिलीजन को ट्रस्ट नहीं करता है। केनिया के पास एक बड़ा ही कोस्टल एरिया है। ऑन द अदर साइड अगर केनिया का इकोनॉमी के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद से केनिया का इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, अगर देखा जाए ईस्ट अफ्रीका में केनिया का इकोनॉमी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। इसके अलावा भी अगर प्रेजेंटली देखा जाए केनिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है ड्यू टू चाइना ट्रैप कुछ खास अच्छा नहीं है। कंट्री जो है वो बहुत एक ह्यूज अमाउंट में डेब्ट पे है। तो प्रेजेंटली केनिया के जो एयरपोर्ट के एम्प्लॉय यूनियन है वो लोग अपनी तरफ से सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। उन लोगों का कहना था कि भाई ये जो एयरपोर्ट है इसको हम लोग कभी भी लीज में कोई भी कंट्री के प्राइवेट ऑर्गेनाइजर को हम लोग ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब प्राइवेट कंपनी को हम लोग ये पोर्ट लीज पे नहीं देंगे। ऑन द अदर साइड केनिया गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया था क्योंकि केनिया गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। प्रेजेंटली अगर देखा जाए जो केनिया का लोन है चाइना के पास, वो लोन का अगर ईएमआई देना होता है तो केनिया को आईएमएफ के पास जाना होता है और केनिया गवर्नमेंट ने अपने तरफ से डिसीजन लिया कि भाई कंट्री का हालत ख़राब हो रहा है, इससे पहले हम लोग जाके लोन लेते हैं या फिर हम लोग का कोई पोर्ट को हम लोग लीज में दे देते हैं। तो केनिया गवर्नमेंट अपने तरफ से अदानी ग्रुप के साथ बात किया और केनिया गवर्नमेंट ने अपने तरफ से डिसीजन लिया उन लोगों के जो कैपिटल सिटी है उनके नज़दीक में जो एयरपोर्ट है उसको 30 साल के लिए अदानी ग्रुप को लीज पे दिया जाएगा और इसके बदले अदानी ग्रुप केनिया को $1.85 बिलियन पे करेगा। तो प्रेजेंटली जो प्रोटेस्ट हो रहा है केनिया में वो होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये जो टोटल इंसिडेंट है ये अभी कोर्ट देख रहा है। कोर्ट में ऑलरेडी केस किया गया है और कोर्ट अपने तरफ से इसमें जो भी डिसीजन लेगा वही फाइनल होगा। मगर फिर भी केनिया में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल है जो इसी को लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस स्प्रेड कर रहे हैं और इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोगों को सबको पता चलता है कि जब कोर्ट घुस जाता है कोई केस में तो जब तक कोर्ट का राय नहीं आता हम लोग को वेट करना पड़ता है। कोर्ट अपने तरफ से डिफरेंट जो पॉइंट है उसको जांचता है, उसके बाद कोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी होता है वो अपने तरफ से वो अपना जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करता है। मगर ये सब जानने के बाद भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल है जो लोग अपने तरफ से केनिया में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट करता है, जो प्रोटेस्ट ऑब्वियसली वायलेंस क्रिएट कर रहा है केनिया में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अगर आप अफ्रीका के जो न्यूज़ एजेंसीज है उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है रिपोर्ट किया गया है। अगर आप यूट्यूब में जाते हैं तो ऐसा आपको बहुत सारे वीडियोज़ भी मिल जाएगा जिसमें ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, रीज़न है चाइना। चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि जो भी कंट्री में वो लोग डील कर रहे हैं या फिर जो कंट्री में वो लोग घुसे हैं जब तक वो कंट्री में जितना भी वो लोग गेन कर सकते हैं प्रॉफिट उसमें दूसरा कोई कंट्री के कोई भी प्लेयर जाके वहाँ बिजनेस करे या फिर दूसरा कोई कंट्री के कोई भी कंपनी वहाँ जाके कुछ अपने तरफ से स्टार्ट करे। ये चाइना का हमेशा एक ट्रैप है, जो ट्रैप चाइना बहुत दिन पहले से ही चला जा रहा था और आज के डेट में अगर देखा जाए चाइना इसको लेके ही इंडिया से थोड़ा सा खफा है कि भाई क्यों अदानी जाके वहाँ घुस रहे हैं जबकि हम लोग इतना साल से केनिया के पास हम लोग को इतना पैसा मिलने वाला है फिर भी हम लोग वहाँ का कोई भी पोर्ट को हम लोग लीज में नहीं ले पाए। हम लोग अपने तरफ से बहुत बार कोशिश किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम दिए थे, मगर केनिया में जो गवर्नमेंट है वो लोग अपने हम लोगों को अलाउ नहीं किया है जिसके वजह से हम लोगों को लिस्ट नहीं मिला। और ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई कोई भी एक इंडिविजुअल प्लेयर जो कि इंडिया से बिलोंग करता है वो जाके आगे वहाँ का जो पोर्ट है उसको लीज में ले ले। आज के डेट में अगर देखा जाए चाइना ने केनिया में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो लोन दे के रखा है। एग्जैक्ट अमाउंट क्या है ये तो पता नहीं चल सकता है। ऑन द अदर साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आपका राउंड अबाउट $6 बिलियन के आसपास है। ऑन द अदर साइड ये पैसा रिपे करने के लिए केनिया को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि IMF है सबसे लोन लेना पड़ेगा कि चाइना का जो EMI है वो हम लोग को रिपे करना पड़ेगा। प्रेजेंटली केनिया का टोटल डेप्ट है $80 बिलियन। अगर देखा जाए चाइना ने बहुत पहले ही एक स्मार्ट गेम खेला था केनिया के साथ। चाइना ने अपने तरफ से केनिया के जो पॉलिटिशियंस थे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वे से उन लोगों को प्रभावित किया आगे जाके क्या केनिया जो है वो चाइना से लोन ले।
जब ये लोन केनिया ने लिया चाइना से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इंटरेस्ट रेट था ये काफ़ी हाई था, और उसके वजह से केनिया का ये जो डेब्ट है ये धीरे 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 बढ़ता गया, और सिर्फ एक लोन नहीं, बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारा लोन लिया। चाइना ने अपने तरफ से उस टाइम में भी कोशिश किया था कि अगर लोन रीपे नहीं होता है तो ऐसा कुछ टर्म्स या फिर कंडीशन रखते हैं जिसमें हम लोग को वहाँ का जो पोर्ट है वो हम लोग को मिल जाएगा, आगे जाके हम लोग वहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे। मगर केनिया का जो गवर्नमेंट है ये अलाउ नहीं किया। केनिया का जो गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट था, क्योंकि केनिया में अगर आप देखें जो नेशनलिज्म है ये काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग अपने देश के कुछ भी एसेट से उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके वजह से केनिया ने कभी भी अपने तरफ से कोई भी पोर्ट हो या फिर एयरपोर्ट हो किस कुछ भी चाइना को ऐसे कंडीशन में नहीं दिया कि आगे अगर डेब्ट वो लोग ना रीपे कर पाए उस पर वो लोग आके कब्जा कर ले। ऑन द अदर साइड एक टाइम में केनिया के जो मीडिया है उसमें एक न्यूज़ फैला था कि अगर चाइना का लोन केनिया दे नहीं पाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना जो है उन लोगों का जो पोर्ट है उसको कब्जा लेगा। तो ये सुनने के बाद केनिया के जो सिटीजन है वो काफ़ी खफा हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मगर उसके बाद ही केनिया के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें गवर्नमेंट बोल दिया कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग के पास ऐसा कुछ, हम लोग मतलब एग्रीमेंट नहीं किए थे जिससे चाइना हम लोग का कोई भी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट हड़प सकता है। ये सुनने के बाद केनिया का जो सिटीजन्स थे वो शांत हो गए। ऑन द अदर साइड आज के डेट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो लीज़ को लेकर, अगर हम लोग पास्ट में देखें तो चाइना ने बहुत बार बहुत कंट्री के साथ ऐसा किया। पहले तो भाई उन लोगों को लोन दे दो और वो भी हाई इंटरेस्ट पे, जब वो लोग लोन रीपे नहीं कर पा रहे तब उन लोग का जो पोर्ट है या फिर जो एयरपोर्ट है वो हड़प लो। जैसे कि हम लोग अगर श्रीलंका में देखें हम्बनटोटा पोर्ट में, तो वो सेम चीज़ ही चाइना ने अपने तरफ से किया था। तो एज़ यूजुअल केनिया को हर महीने चाइना को अपना जो लोन का ईएमआई है वो रीपे करना पड़ रहा था, और यही लोन को रीपे करने के लिए एक टाइम में जो डेब्ट है केनिया का वो काफ़ी बढ़ गया। और वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि आईएमएफ के पास गया लोन के लिए, के ये जो डेब्ट है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 80 बिलियन तक पहुँच गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम केनिया के गवर्नमेंट ने अपने तरफ से सोचा कि भाई हम लोग अगर हम लोग का कोई भी पोर्ट को लीज़ में दे देते लाइक 30 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स या फिर 99 ईयर्स, तो हम लोग को उसमें से जो पैसा मिलेगा वो हम लोग का जो लोन रिपेमेंट है उसका जो ईएमआई है वो हम लोग दे पाएंगे, तो उसमें हम लोग वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सोचते ही केनियन गवर्नमेंट के साथ अदानी का एयरपोर्ट को लेके ये डील हुआ, जिसमें अदानी ग्रुप को केनिया का ये एयरपोर्ट मिला फॉर 30 ईयर्स लीज, और जिसके बदले अदानी ग्रुप अपने तरफ से केनियन गवर्नमेंट को $1.85 बिलियन दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, अचानक से चाइना को जब ये बात पता चला तो चाइना को ये बात अच्छा नहीं लगा कि भाई हम लोग इतना दिन इतना पैसा इन्वेस्ट किया मगर फिर भी केनिया में हम लोग को कोई लीज नहीं मिला। ऑन द अदर साइड इंडिया का कंपनी में जाके वहाँ ये सब डील क्रैक कर दिया। तो वो लोग अपने तरफ से जो केनिया के सिटीजन थे जो लोग लीडर्स थे उन लोगों को फिर से हम लोग अपने तरफ से एक्टिव किया कि भाई तुम लोग जाओ इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करो, और यही प्रोटेस्ट अभी चल रहा है केनिया में। क्योंकि कोर्ट के अंदर अगर कोई भी फैसला नहीं हुआ है तो आगे से कैसे ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अदानी को ये पोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर अगर पोर्ट मिलेगा तो उसमें गलती भी क्या है, क्योंकि अदानी तो चाइना जैसा नहीं है कि भाई वहाँ जाकर कोई मिलिट्री सेटअप करेगा या फिर आगे जाके वो लोग अपना कंट्री के लिए सोचेगा। अदानी बिजनेस करता है, एक बिजनेसमैन है। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोग का कहना था कि भाई अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ आके घुसता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्राइवेट कंपनी है वो जॉब कट कर देगा, जिसके वजह से केनिया के जो जॉब होल्डर है उन लोगों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, केनिया के इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये इसीलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं। ऑन द अदर साइड कोर्ट ने अपने तरफ से कुछ डिसीजन नहीं लिया। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि हो सकता है कल जाके अदानी अपने तरफ से कुछ दलील पेश कर दे और जिसके वजह से ये जो एयरपोर्ट है ये अदानी के पास चला जाए, और हम लोग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिफरेंट वीडियोज आपको वहाँ मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है, आपको क्या पसंद है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है, और जब भी सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियोज़ जो है वो डिफरेंट टाइम पर आता रहता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ नया टॉपिक लेके आ जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।